प्रेमानंद जी महाराज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं। लोग अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पूछते हैं, लोग व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लेते हैं, लोग धार्मिक प्रश्न पूछ लेते हैं, मगर आप देखना अनिरुद्धाचार्य जी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा उनका ज्ञान चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। गीता से कोई प्रश्न पूछ लेगा, महाभारत से कोई प्रश्न पूछ लेगा, और अगर उन्होंने गलत उत्तर दे दिया या उन्होंने मजाकिया उत्तर दे दिया तो हम उनकी वीडियो को ट्रोल करते हैं। मगर आप नोटिस करना प्रेमानंद जी महाराज की अभी तक कोई वीडियो ट्रोल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया दो तरफा है। हम प्रेमानंद जी महाराज को बड़ा सीरियस होकर सुनते हैं, उन्हें लगता है कि ये शख्स गलती कर ही नहीं सकता है। और अनिरुद्धाचार्य की दो तीन वीडियोस वायरल जो हुई हैं मजाकिया वीडियो, हमें लगता है कि इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। इसलिए आप देखना अनिरुद्धाचार्य जैसे मजाकिया प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग गीता से प्रश्न पूछ लेंगे, लोग उनका ज्ञान टेस्ट करते हैं, मगर प्रेमानंद जी महाराज का ज्ञान टेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों को यह लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज जो उत्तर देंगे उससे हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज जो उत्तर दे रहे हैं उससे आपके जीवन में कभी बदलाव नहीं आ सकता, अगर आप स्वयं अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने मात्र से ये सोचते हैं हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। एक सच्चे संत के दर्शन मात्र से उसी के जीवन में बदलाव आता है जो सच्चा भक्त भी होता है। आप तो भक्त है ही नहीं। हमारे जीवन में देखिए हमारे पूरे शरीर में माया काम वासना भरी पड़ी है। तो प्रेमानंद जी महाराज के अगर चरणों में भी आप 10,000 दिन तक बैठे रहोगे तो भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वयं नहीं बदलना चाहते हैं अपने आप को। तो पहले बदलिए तो सही, जब आप स्वयं बदल देंगे तो फिर प्रेमानंद जी महाराज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको।